एक साइड 5 मिनट हो गए, अभी दूसरी साइड पलटा लीजिए। कलर कितना अच्छा है, बस स्लो फ्लेम को स्लो ही रखने का है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज चिकन के चपली कबाब बनेंगे। ये मेरे पास गोश्त ला लिया था, मैं ला के धो के इसको ग्राइंडर में पीस के रख लिए। अब इसको मसाला लगा देंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 3 चम्मच। ये मेरे पास 1/2 किलो कीमा है। नमक डाल देंगे 1 चम्मच, बाद में फिर चख के डाल ले सकते। नींबू का जूस है, 1 नींबू का जूस है। टमाटर है, 2 टमाटर है, इसके बीज निकले हुए हैं और इसमें पानी नहीं रहना। टमाटर ऐड कर देंगे। ये बेसन है, 4 चम्मच बेसन है, इसको भून के ले लेना। अगर आप बेसन नहीं डालना चाह रहे तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। बेसन ले रहे तो भून के ले लेना। 1/2 किलो गोश्त को 4 चम्मच है, 1/2 किलो गोश्त को 2 चम्मच डाल सकते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग ऑनियन, प्याज की पत्ती। प्याज की पत्ती है, थोड़ी सी है। हरी मिर्ची है, 2 से 4 बारीक कट करी हुई हरी मिर्ची, ये भी ऐड कर देंगे इसमें। अमचूर का पाउडर है 1 चम्मच। आपके पास अनारदाना है तो वो भी डाल ले सकते हैं। धनिया कुटे हुआ है, मोटा मोटा भुना कुटा हुआ धनिया है। जीरा है ये 1 चम्मच, ये भी 1.5 चम्मच है। काली मिर्ची 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, चिल्ली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, ये भी ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें थोड़ा हरा मसाला ऐड कर लेंगे, थोड़ा कोथमीर और थोड़ा पुदीना है। 2 अंडे है ये। अंडे अगर आप नहीं खा सक नहीं डालना चाह रहे तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बटर है ये। बटर डालने से नरम मुलायम अच्छे से कबाब बन के तैयार होते। इसको भी अच्छे से मिक्स करके 1/2 घंटे के लिए खूब रख देंगे, मैरिनेट होने के लिए 1/2 घंटे के लिए रख दे के उसके बाद में तल लेना। ये 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दिए थे, ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसको कबाब बना लेंगे। इसको शेप देना नहीं है, बस ऐसे ही बनाने का है। थोड़े से बड़े बनाना, ये तले जाने के बाद में थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। इस तरीके से बना के यहाँ तेल गरम हो गया, अब इसको डाल दीजिए। आप कोई सा भी शेप दे ले सकते, चार कोनी गोल ऐसी बना के डालते जाइए। फ्लेम को स्लो रखने का है, फास्ट में रखना, अंदर भी कच्चे रह जाते तेज फ्लेम रखने पे। एक साइड 5 मिनट हो गए, अभी दूसरी साइड पलटा ली। कलर कितना अच्छा है, बस स्लो फ्लेम को स्लो ही रखने का है। ये साइड भी 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। देखेंगे दूसरी साइड से भी अच्छे से कलर बदल गया, और इसको निकाल देंगे। दोनों तरफ से अच्छे कड़क हो गए, अच्छा पकना। ये 5 से 10 मिनट पलट पलट के पकाना है इसको। थोड़े और बना लीजिए, आप इससे छोटे भी बना सकते, बहुत टेस्टी होते ये कबाब खाने में। फ्लेम को स्लो रखना है। अब इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना के आपको दिखा दूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे दस्तरखान पे चपली कबाब बने हैं। चिकन के हैं, आप मटन में भी बना सकते हैं।
जल्दी बनने वाले हैं, अच्छे टेस्टी है, एक बार जरूर ट्राई करके देखिए आप। अंदर से कच्चे नहीं है, अच्छे पके हुए हैं। ट्राई करके मेरे को कमेंट करके बोलिए, इतने मज़ेदार है माशाल्लाह। ये एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाने के लिए आपका दिल करेगा, पेट भरेगा, मगर मन नहीं भरेगा आपका ये खाने के वास्ते। रमजान में आप बना के स्टोर करके भी रख ले सकते सहरी या अफ्तार में, बहुत अच्छा है। ट्राई करके देखे मेरे चैनल, अगर अच्छा लगा मेरा ये रेसिपी तो आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। फिर एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।